Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर 13 अक्टूबर बरोज जुमे को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नवाज शरीफ को आज के लिए पेशी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। नैब रेफरेंसेस में अदम हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। दोनों भाइयों के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार, मुकदमा भी अलग कर दिया गया। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानतें मंजूर, बगैर इजाजत मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का पासपोर्ट जब्त करने और जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद। कयामगाह के बाहर कारकुन जमा, मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। पहले से तयशुदा फैसले के ऊपर मियां साहब को नाहल किया गया। हुसैन और हसन नवाज बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। मेरा जुर्म क्या है वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये क़यामत तक ट्रायल्स चलते रहेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फतह है। पैनामा से चलकर मुकदमा अकामा पर खत्म हो तो सवालात उठेंगे। हम अदालतों में आते तो हैं, बाकियों की तरह भाग नहीं जाते। भगौड़े जलसे कर रहे हैं मगर अदालतों में पेश नहीं होते। मरियम नवाज बरस पड़ी, कोई करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मुकदमात का सामना करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सत्र की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नवाज की मेडिकल रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। नवाज शरीफ अहलिया की बीमारी के बायस लंदन में है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, एक आता है दूसरा चला जाता है, इस्तिस्ना ना दिया जाए ना प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। हमारे दिलों में कोई चोर नहीं, इसीलिए कोई डर है ना ही खौफ। सियासी मुखालिफीन खुद अदालतें ना लगाएं, अदालतों को अपना काम करने दें। मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बदनज़मी से बचने के लिए आज बेहतर इंतजाम किया, वज़ीर मुमलकत बराए दाखला तलाल चौधरी का इजहार ख्याल। तमाशा लगाया गया, लगता है फैसला पहले से मौजूद है। इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अवाम अपना फैसला 2018 में देंगे। राणा सनाउल्ला की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज लीग के मुतअद्दिद रहनुमा और वकला भी मरियम नवाज के साथ एहतसाब अदालत पहुंचे। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी बाहर मौजूद रही। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर वकला और सिक्योरिटी एहलकारों की बहस और तकरार होती रही। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1000 से जायद एफसी और पुलिस एहलकार तैनात। स्ट्राइक फोर्स भी मौजूद, वाटर कैनन को भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचाया गया। रिटायर्ड सफदर लंदन से वापस आते ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लीगी कारकुनों ने गाड़ी के सामने लेट कर एहतजाज किया। लीगी रहनुमा ने रात नैब दफ्तर के अंदर और कारकुनों ने बाहर गुजार दी। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के लिए वोट देने वाले अरकान असेंबली ने आइन की खिलाफ वर्जी की, कार्रवाई की जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान के खिलाफ वजीर आला पंजाब का 10 अरब हर जाने का दावा खारिज किया जाए। लाहौर की सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर, अदालत ने शहबाज शरीफ से 19 अक्टूबर तक जवाब तलब कर दिया। नैब का तकरर, तीनों नाम मुस्तरद होने पर तहरीक इंसाफ ने हंगामी इजलास आज बुला लिया, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा सियासी ताकत के मुजाहरे का मरकज बन गया, पीपी ने सरगर्मियां बढ़ा दी। आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज नौशेरा पहुंचेंगे।
कराची में आज भी शदीद गर्मी का इम्कान, समंदरी हवाएं भी कम होने की तवक्को, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, महकमे मौसमियात की वार्निंग। कोयटा में सब्जी मंडी जाने वाली गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 5 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। कोयटा में ट्रैफिक सर्जेंट को गाड़ी से कुचलने का केस, एमपीए मजीद अजगजई को पेश ना किया गया, वकील ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी, समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के कतरा अस्पताल में एमएस की तब्दीली के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, ओपीडी बंद होने से मरीजों को मुश्किलात।